नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट आ चुका है। आज है शनिवार और 18 जनवरी, तो आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया। तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे किस तरह के उनके रिजल्ट हैं और रिजल्ट के बाद एचडीएफसी बैंक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, निफ्टी की चार बड़े वेटेज कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और एससीएल टेक, यानी चार बड़ी कंपनियों के जो निफ्टी में हैं उनके रिजल्ट आ चुके हैं। तो इसका निफ्टी पे बड़ा इंपैक्ट मंडे को पड़ने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ के रिजल्ट अच्छे हैं, कुछ के रिजल्ट ना के बराबर। जैसे टीसीएस का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, रिलायंस का ठीक ठाक है, इनलाइन है। एससीएल टेक का रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यानी बहुत अच्छा है। उसी तरह से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी किसी फ्रंट पर ठीक है, किसी फ्रंट पर निगेटिव लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए पहले एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे आएंगे और चार्ट पे समझेंगे कि मंडे के सेशन में हमें इसे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरह से रिजल्ट रहा। देखिए, रिजल्ट थोड़ा सा मिला जुला इसलिए रहा कि इसका जो प्रॉफिट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आया है, यानी प्रॉफिट के फ्रंट पे इसने स्ट्रीट को बीट किया है। यानी जो मार्केट अंदाजा लगा रहा था जो प्रॉफिट है उससे आगे निकल के आया है। लेकिन हाँ, एनपीए में इनकी मामूली बढ़ोतरी हुई है, तो जो ये मार्केट ये नहीं सोच के चल रहा था कि इनके भी एनपीए में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये एक फ्रंट लाइनर है। इनको देख के मार्केट क्या होता है, बैंकिंग का व्यू डिसाइड करता है कि इनके एनपीए किस तरह से। अगर इनके एनपीए थोड़े से भी बढ़ रहे हैं तो जो छोटे बैंक हैं उनके एनपीए काफ़ी तेजी से बढ़ेंगे, तो मार्केट स्ट्रीट इस चीज़ को देखता है, समझता है। तो यहाँ पे देखिए, एचडीएफसी बैंक का मुनाफा है वो अनुमान से बेहतर रहा, लेकिन जो ब्याज में आमदनी अनुमान से थोड़ी सी कम रही है और एनपीए में थोड़ी मामूली सी बढ़त हुई है। सालाना आधार पर देखा जाए तो यानी जो 2020 तीसरी तिमाही में जो एचडीएफसी बैंक का मुनाफा है वो 32 यानी लगभग 33% बढ़कर आया है, और ये लगभग 7,416 करोड़ के आसपास है। उसी तरह देखा जाए कि 2019 में यानी 2019 की तीसरी तिमाही में जो मुनाफा था वो 5,585 करोड़ के आसपास रहा था। इसमें जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.2 पे इनकी स्थिर है, यानी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो उसी जगह पे है जहाँ पे इन्होंने हमें लास्ट क्वार्टर में हमें छोड़ा था, उसी के आसपास में इस बार भी आई हुई है। यहाँ पर जो ब्याज से आय बढ़कर यहाँ पर हो गई है 14,172 करोड़ के आसपास हो गई है। 2018 की इसी तिमाही में यानी तीसरी तिमाही है, 2018-19 की बात कर रहा हूँ, तो 2018-19 की इसी तिमाही में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ब्याज की आय थी वो थी 12,576 करोड़ रुपए आय थी यहाँ पे। अन्य आय में इनका आय भी बढ़ करके जो पिछली बार 4,921 करोड़ थी पिछले साल में, इस साल बढ़ के जो आई है 6,669 करोड़ के पास पहुंच गई है। बैंक की एडवांस ग्रोथ देखिए, यहाँ पे 20% एडवांस ग्रोथ से बैंक यहाँ पे ग्रो कर रहा, और जो डिपॉजिट है वो भी लगभग 25% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे कर रही है। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो मैंने पहले बताया कि 4.2 पे उसी जगह के आसपास में बना हुआ है। अब देखिए, थोड़ा सा एनपीए पे यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो बैंकिंग का रिजल्ट हम देखते हैं तो एनपीए देखते हैं, किसी मान लीजिए आईटी कंपनी के रिजल्ट को हम फॉलो करते हैं तो उनकी गाइडलाइंस को देखते हैं और उनके मार्जिन किस तरह से बन रहे हैं। किसी एफएमसीजी कंपनी को देखते हैं तो हम उसकी ग्रोथ को देखते हैं कि कितने परसेंट से ग्रोथ कर रही है। तो हर जो सेक्टर है उसके रिजल्ट को देखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। जैसे इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग पैमाना है इसको रिजल्ट को ट्रैक करने का। तो बैंकिंग को देखने के लिए हम एनपीए को ज़्यादा फॉलो करते हैं कि एनपीए उनका किस तरह से रहा। तो इनका अगर एनपीए देखा जाए 2020 की तिमाही में जो इनका एनपीए आया है तीसरे क्वार्टर में वो आया है 4,468 करोड़, जो कि इसी तिमाही यानी पिछली तिमाही में जो था वो था 3,790 करोड़ का। तो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़त हुई है। इसी बैंक का ग्रॉस एनपीए हो गया है 13,427 करोड़ के आसपास में, जो कि पिछली तिमाही में जो था इनका वो था 12,508 करोड़। तो यहाँ पे देखिए, एनपीए के लिए इन्होंने 3,043 करोड़ की प्रोविजनिंग की है, यानी ऐसा इन्होंने नॉट परफॉर्मिंग एसेट के लिए एलोकेट कर दिया है, ये पैसा इन्होंने प्रोविजनिंग कर दी है। अब दिसंबर में ग्रॉस एनपीए जो देखा जाए, दिसंबर तिमाही का जो अभी आया है क्वार्टर थ्री का हमारा, वो 1.38 से बढ़ करके 1.42 हो गया, यानी जो लास्ट तिमाही में था वो था 1.38, इस तिमाही में बढ़ करके आ गया है 1.42
0.42 लगभग। अब देखा जाए नेट एनपीए 0.42 से बढ़कर के 0.48 हो गए हैं, यानी मामूली बढ़त यहाँ पे हुई है, लेकिन एनपीए में बढ़त तो हुई है। तो लेकिन बैंक ने प्रॉफिट बहुत अच्छा पोस्ट किया है, तो मतलब वो उस चीज को मैनेज कर ले रहे हैं, अपने एनपीए को वो बैंक मैनेज कर ले रही है, तो एनपीए नॉर्मल ही बढ़ रहे हैं इनके। तो प्रोविजनिंग की जो कुल राशि हो गई, कुल राशि इन्होंने की है वो 2211 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार जो उन्होंने की है वो 3043 करोड़ रुपए इन्होंने प्रोविजनिंग की है। तो दोस्तों ये थे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट। अब हम चलिए थोड़ा सा चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे एचडीएफसी बैंक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है मंडे के सेशन में। तो उसे कि अब हम आ गए हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट के ऊपर। तो रिजल्ट तो ठीक है, रिजल्ट ठीक ठाक है। अब देखना पड़ेगा जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं वो इस रिजल्ट को किस तरह से लेते हैं, और किस तरह से जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आती है वो किस तरह से आती है। हम लोग ज़्यादातर टेक्निकल को फॉलो करते हैं, टेक्निकल को समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए टेक्निकल यहाँ पे ये हो रहा है, टेक्निकल यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का ये है कि इसके पास में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो है 1305-1306 रुपये का। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये स्टॉक मंडे के सेशन में 1305 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करने लगता है तो समझ लीजिएगा ये बहुत अच्छा आपको एक मूवमेंट देगा। मंडे के सेशन में ही ये 1325 और 1330 के लेवल भी जा सकता है, लेकिन 1305 के ऊपर इसको सस्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओपनिंग हुआ, गया, दो मिनट रुका और नीचे आ गया, तो उस कंडीशन में नहीं। देखिए क्या होगा, ये दो तरह से यहाँ पे चीज़ें होंगी। ये 1305 के ऊपर अगर मान लीजिए रिजल्ट मार्केट को अच्छा लगा, मार्केट को पसंद आया, क्योंकि प्रॉफिट तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, प्रॉफिट इसका बहुत अच्छा है, 32% की ग्रोथ से प्रॉफिट बढ़ा है इनका। तो मान लीजिए अगर ये 1300 के आसपास जाके बैंक ओपन होता है, 1300-1305, और उसके बाद इसको क्रॉस करता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन मान लीजिए अगर बैंक ओपन ही 1320-1330 के पास में होता है, तब हमें इंतजार करना पड़ेगा, पहले 10-12 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। उस 10-12 मिनट की कोई भी अगर एक रेंज बन गई तो ठीक है, नहीं उस 10-12 मिनट में जैसे मान लीजिए 20 ओपन हुआ, 25-30-40-45 चलते चला गया, तो वहाँ पे हाथ डालने की ज़रूरत आपको मंडे के सेशन में बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए मंडे के सेशन में अगर प्रोविजनिंग की वजह से कहीं थोड़ा बहुत नीचे भी ओपन होता है, तो ये समझ जाइएगा जब नीचे ये ओपन होगा तो मेरे ख्याल से रिकवर करेगा। नीचे ओपन होगा तो अगर पहले 5-7 मिनट की कैंडल के लो को ये बैंक अगर ब्रेक नहीं करेगा तो मेरे ख्याल से ये बैंक रिकवर करके आपको वापस ये 1300 के आसपास तक लेके जा सकता है बैंकिंग, क्योंकि 1305 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर आप पोजिशनली इसको ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1305 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, तब इसको लेके जाइए, या फिर बैंक आपको 1220-1240 की रेंज में मिलेगा तब लीजिए, क्योंकि 1240 इसके लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो देखते हैं इस रिजल्ट के बाद में ये किस तरह की मूवमेंट करता है, कि 1240 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है या फिर ये 1305 को ऊपर की तरफ ब्रेक करके क्लोज करता है। अगर इसी रेंज में फंसा रह जाएगा तो फिर शायद इसका निकलना थोड़ा सा फिर से मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद ये सरप्राइज करे और ऊपर की साइड में ब्रेक करते हुए दिखेगा। तो जिनको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है वो 1305 के ऊपर क्लोज करे बैंक। अब मान लीजिए कल 1305 के ऊपर निकला और कल ही 1340 पहुंच गया, तब मत आप घुस जाना आग बंद करके। 1305 के ऊपर का मतलब हो गया कि उसी के आसपास कहीं रहेगा तो हम ले सकते हैं उसको। अगर उसी दिन वो 1360 बढ़ गया तो फिर शायद वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कूल होगा, रिट्रेसमेंट होगा, फिर हम नई पोजिशन वहां पे बना सकते हैं। कल की क्लोजिंग प्राइस है हमारी 1278 रुपये, तो 1278-1280 के आसपास ओपन होता है, और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करते हुए दिखता है, यानी 1291 को ब्रेक करता हुआ दिखता है, तो आप 1300-1302 के टारगेट के लिए यहां पे एक पोजीशन बना सकते हैं रिजल्ट वाले दिन के साथ। अगर ये नीचे की तरफ मान लीजिए 1270 को ब्रेक करता है तो फिर ये इंट्राडे में 1260 और 1250 के लेवल आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। ज्यादा बड़ी मूवमेंट मुझे नहीं लग रही कि यहां पे 4-5% से ज्यादा की मूव हो रही, या तो 4% ऊपर या 4-5% नीचे, जबकि इसके लिए बहुत बड़ा, यानी 4% का मतलब ये हो गया कि ये स्टॉक्स अकेला जो है बैंक निफ्टी को लगभग 4% का मतलब हो गया कि बैंक निफ्टी को अकेला ये स्टॉक 400 पॉइंट घुमा सकता है। मतलब अगर 400 पॉइंट ये बैंक अगर 4% बैंक निफ्टी ऊपर चला गया और बाकी बैंक अपनी जैसे कल की क्लोजिंग के आसपास रहे, तो अकेला इसका जो योगदान होगा वो 400 पॉइंट का होगा। अगर मान लीजिए इसके साथ ICICI और एक्सिस बैंक 1-1% भी ऊपर चले गए तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मूवमेंट हो सकता है, ऊपर या नीचे की साइड में। तो मुझे नहीं लगता कि 3.5-4% से ज्यादा का मूवमेंट यहाँ पे होते हुए कल के सेशन में नजर आएगा, या ऊपर या नीचे की तरफ। लेकिन हाँ, 1305 के बाद अगर क्लोजिंग करता है तो पोजिशनली ये स्टॉक का जो टारगेट हमारा होगा वो हो जाएगा 1380 और 1420 का, यानी 1380 और 1420 के लिए टारगेट हम ले सकते हैं अगर ये 1305 के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करने लगता है तब, या नीचे की तरफ 1240 के आसपास मिले तो आप इसको लेके जाइए, पोजिशनली लेके जाइए वापस, बहुत जल्दी आपको फिर से ये 1300 के लेवल दिखाता हुआ बैंक नजर आ जाए। अगर इसको देखे 20 और 30 एक्सपोनेंशियल
मूविंग एवरेज यहाँ पे हम देखें तो वो मूविंग एवरेज के लगभग ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उसी के आसपास ही कंटिन्यू अभी ट्रेड कर रहा है ये बैंक। तो दोस्तों ये थी मेरी HDFC बैंक पे एक रिपोर्ट, एक एनालिसिस, आपको पसंद आए। दोस्तों अगर आप भी हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एनालिसिस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।